नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 18 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:33 से लेकर 12:57 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है दोपहर 1:30 से लेकर 2:03 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है, उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके लाभ भाव के नेपच्यून के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना। लेकिन अगर आपकी शादी हुई तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी और शुभमतम देखी जाएगी, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उनके साथ भी जो आपका जो मेल जो होगा, आपकी जो हारमोनी होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो चंद्रमा है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, कोई नई योजना के बारे में काम कर रहे हो, तो छोटे मोटे अगर भी टेंशन या स्ट्रेस आ जाए तो बिल्कुल भी उससे नहीं डरना, बिल्कुल भी उससे नहीं घबराना। छोटी मोटी बातें होती रहेगी। अगर आप कहीं सफ़र पर निकल रहे हो तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हो सके तो आज के दिन सफ़र टालोगे तो ठीक ठाक होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों के मामले में, सेविंग के मामले में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छी बातें आज आपको सामने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड पैसे जिसे हम बोलते हैं, लाभ जिसे हम बोलते हैं, वो आज के दिन आपको अच्छी तरह से मिल सकते हैं। तो दिन फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो स्पेंडिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है और खर्चे को लेकर आपके जो घर के लोग होंगे उनसे आज छोटी मोटी बातों के लेकर अनबन हो सकती है। मतलब खर्चे बहुत हो रहे हैं, आप उस पर बहुत काम कर रहे हैं लेकिन वो मतलब सेविंग नहीं हो रहे, तो ये सभी बातें हैं। हालांकि खर्चे हो रहे हैं वो जो आपका नेचर है उसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना या फिर नियंत्रण रखना आपको कठिन जाता है, वही बात है। लेकिन आपके राशि में जो शुक्र है, यह शुक्र आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है उसके साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जाए, ये बात आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगी। आने वाले 2-3 दिनों में कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे परिणाम, कुछ अच्छे सिक्स सेंस के जो अनुभव है वो आपको मिलने के काफ़ी अच्छे आसार है। लक फैक्टर आपका जोरों पर रहेगा, तो इस वजह से जो भी आप काम करोगे वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, सकारात्मक होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग करने की त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के मामलों के बारे में आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया था, लेकिन आज के दिन वो पूरी तरह से निकल जाएगा। घर के जो लोग होंगे उनमें और आप में काफ़ी अच्छा मेलजोल देखा जाएगा। सिर्फ आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनको लेकर छोटी मोटी बातों पर तकरार वगैरह हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हो या फिर पार्टनरशिप के बिजनेस में हो तो आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून में नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो कई दिनों के बाद आपके लिए जो कालावधि है वो अच्छा बन रहा है। हालांकि आपके व्यय भाव का जो चंद्रमा है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे देगा, लेकिन आपके लाभ भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके सप्तम भाव के नेपच्यून के साथ नवपंचम योग करने जा रहा है, उसी कारण अनएक्सपेक्टेड लाभ आज आपको मिल सकते हैं या फिर लाभ आपको आज कंपलसरी हाथ में मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो सिंह राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर उनके जो भी काम अटके हुए हैं
वो आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी तरीके से पूरे होते नज़र आएंगे, उसमें कुछ अच्छी बातें नज़र आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली आपको आपके मन में भी वो विचार नहीं आएगा, लेकिन वो जो काम है वो आपके बनते हुए नज़र आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। छोटा मोटा स्ट्रेस आज के दिन के लिए रहेगा, लेकिन उसका चिंता उसके लिए ज़्यादा सोचना या आपकी सोचना नहीं, आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस वाली राशि है, जो छोटी मोटी बातों पर नहीं सोचना, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के लाभ भाव में सिद्ध मंगल के साथ है चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो लाभ के बारे में आपके जो मित्र परिवार होंगे उनको लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि जो बातें हैं वो छोटी मोटी रहेगी, लेकिन आपकी जो राशि है वो जल्दी स्ट्रेस से टेंशन ले लेते हैं, इसकी वजह से वो जो पूरा दिन है वो उसी बातों में बीत जाएगा। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी थोड़ी सी अड़चन आपको लग सकती है, लेकिन आपके दशम भाव का जो शुक्र है वो शुक्र आपके षष्ठ भाव के नेपच्यून के साथ नव पंचमी यानी कि त्रिकोणीय योग करने जा रहा है। तो करियर के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आपको कोई व्यवसाय में कुछ बढ़ोतरी करनी है, नए कुछ प्लान्स लाने हैं, नौकरी के बारे में कुछ भी ऐसी कोई नई सोच है तो वो आज के दिन इम्प्लीमेंट हो सकती है, या फिर उसके बारे में कुछ नए आइडियाज़, सकारात्मक आइडियाज़, कल्पनाएं आपको मिल सकती है जो कि आगे जाके पॉजिटिव हो सकती है। तो दिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और पैसों के अनबन के बारे में मैंने जैसे कहा, या फिर आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी अनबन के बारे, तो ये जो बातें सिर्फ आज के दिन रहेगी, कल से ये जो बातें पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन करियर के बारे में जो मैंने बात की उसके ऊपर ज़रूर अमल करना है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के दशम भाव में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग होंगे उनसे आज आपकी छोटी मोटी बातों से लेकर अनबन हो सकती है, अनबन थोड़ी सी आगे भी बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके पंचम भाव के नेपच्यून के साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो मानसिक शांतता जिसे हम बोलते हैं, मनश शांति जिसे हम बोलते हैं, वो आज से लेकर करीबन आने वाले 2-3 दिनों में आज आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, या फिर मन में ऐसे कोई विचार आ जाएंगे जिसे आध्यात्मिक विचार जैसे हम बोलते हैं, कि ये जो सभी बातें हैं मतलब भौतिक सुख के अलावा जो बातें होती हैं आध्यात्मिक बातें, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस हो जाओगे। तो इसी वजह से 2-3 दिनों के लिए आप कुछ अच्छा शांत वातावरण महसूस करोगे, अपने अंदर वो जो बात है वो अनुभव करोगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून आपके अष्टम भाव के शुक्र के साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आप सफ़र पर निकल रहे हो तो ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सफ़र में छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं। आज किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस किसी को भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज़ है वो चूकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसी प्रकार घर के जो मामला थे वो अभी नॉर्मल होने की संभावना है। आपके जो वैवाहिक सदस्य होंगे उनसे भी आज आपके हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। और आप दोनों में जो हारमोनी वो अच्छे होने के कारण घर का जो माहौल है वो भी ठीक ठाक होगा। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो वहाँ पर भी आपके प्रेमी के साथ भी आपके जो संबंध रहेंगे वो काफ़ी अच्छे और सुगमतम देखे जाएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो पहली बात, आज आपके सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पैसों के मामले में भी देखा जाए तो थोड़े छोटे मोटे आज आपके खर्चे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून आपके सप्तम भाव के शुक्र के साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अगर आपकी शादी हुई तो आपके जो वैवाहिक जो साथीदार होंगे उनसे अगर आज आपको कोई राय मिलती है मतलब आने वाले 2-3 दिनों में, तो वो आपको आगे जाके बहुत ही शुभ फलदायी हो सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ आज के दिन के बारे में सोचा जाए तो खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप के सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून आपके षष्ठ भाव के शुक्र के साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर आपकी शादी हुई है या फिर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी आपके उनके साथ आपके जो प्रेमी होंगे या फिर वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे छोटी मोटी बातों के लेकर अनबन हो सकती है। घर वालों के साथ भी आज आपकी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो मकर राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रहे, उनके लिए भी जो आज का दिन है
बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ आपके पंचम भाव का जो शुक्र है वह शुक्र नव पंचमी गणे के त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज का आपका पूरा दिन है वो स्ट्रेस वाला रहेगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपके थोड़े अपोज में जा सकते हैं, वो आपके थोड़े विरोध में जा सकते हैं या फिर उनके काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आ सकता, जिसकी वजह से जो पूरा दिन है स्ट्रेस में बीतने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर रिस्क ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आज आपका दिन है बहुत ही अच्छा दिन, जो जिसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, जो अंदर की भावनाएं जिसे हम बोलते हैं या फिर आइडियाज, वो अगर आप उस पर मतलब जहाँ पर मतलब शेयर मार्केट में अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो वो पॉजिटिव नज़र होते ना दिखाई देने की संभावना है। अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आज आपके दिन आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में है या फिर मेडिटेशन में है, उनको भी कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आज आपको मिल सकते हैं। उसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आज आपकी कुछ अनबन हो सकती है। किन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, तो थोड़ा बहुत जो मूड है वो आपका अलग तरीके का होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, छोटी मोटी बातों के लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव का, आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वह शुक्र आपके व्यय भाव के नेपच्यून के साथ नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे। तो घर के जो मामला थे वो काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। सिर्फ जब मैंने कहा कि आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आज आपके किसी विषय से लेकर अनबन हो सकती है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 18 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।